18 फरवरी 2019 को एक सैन्य अभियान में शहीद हुए मेजर विभूति डौंडियाल की पत्नी निकिता डौंडियाल बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक के तौर पर सेना में शामिल हो गई हैं। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद आज 29 मई को आयोजित पीओपी में उन्होंने सेना की वर्दी पहनी है। बता दें कि देहरादून निवासी मेजर विभूति डौंडियाल 2019 में जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद हो गई थे और उनके शहीद होने के बाद उनकी पत्नी निकिता ने पति के सपने को पूरा करने के लिए सेना में जाने का मन बनाया। निकिता ने दिसंबर 2019 में इलाहाबाद में वुमेन एंट्री स्कीम की परीक्षा दी थी और जिसमें वह पास भी हो गई थी और इसके बाद चेन्नई के ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी से निकिता को कॉल्स लेटर भी आया और ट्रेनिंग पूरी कर निकिता आज ओटीए की पासिंग आउट परेड में बतौर लेफ्टिनेंट आधिकारिक रूप से सेना में शामिल हो गई हैं। The journey has been marvelous and I believe my journey has just started. The last 11 months has made me learn so many things in my life. And I would like to thank everyone who have kept faith on me. My mother-in-law, my mother and all those who have been part of the journey. I probably would not have done without you guys. And I would just like to say that the way you have kept faith on me, that have made my journey easier. And I just would like to end with saying that everyone, please have faith in yourself. There's absolutely nothing that can stop you from achieving what you have aimed for. Just have faith. जय हिंद। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।